नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अपूर्व और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टेक स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, व्हाट्सएप ने फाइनली एक ऐसा फीचर दे दिया है जिसे व्हाट्सएप के लगभग सभी यूजर्स को इंतजार था, लाखों करोड़ों लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था और व्हाट्सएप लगातार अपनी पोस्ट में यही कह रहा था कि मैं इसका फीचर जल्दी ही अपडेट करूँगा। तो यहाँ पर फोटोज में आप देख सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप रंग बिरंगा हुआ है और व्हाट्सएप ने फेसबुक की तरह अपने एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स जो थे ऐप के लिए रंगीन टेक्स्ट स्टेटस फेस किया है। इस फीचर के जरिए यूजर व्हाट्सएप पर एक कलरफुल बैकग्राउंड फॉन्ट और इमोजी कॉम्बिनेशन के साथ स्टेटस अपडेट कर सकेंगे। लेटेस्ट अपडेट पर ऐप को अपडेट करने के बाद भी सभी यूजर इस फीचर को नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि अभी ये अपडेट सभी फ़ोन में नहीं आया है, बाकी को भी जल्द ही ये फीचर मिलेगा। लेकिन मैं आपको अभी का कैसे लाएंगे इस फीचर को वो बताता हूँ। आपको बीटा वर्जन सबसे पहले ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप के नीचे लिखा आ रहा है यू आर बीटा टेस्टर फॉर दिस ऐप ऑसम। तो अगर आप बीटा टेस्टर नहीं है तो यहाँ पर जहाँ पर लीव आपको लिखा दिख रहा है, यहाँ पर आई एम इन लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और फिर ज्वाइन हो जाइए बीटा टेस्टर में। फिर आधे घंटे बाद आपका व्हाट्सएप जो है अपडेट मांगेगा, अपडेट कर लीजिए। फिर जब यहाँ पर लिखकर आ जाता है नीचे यू आर अ बीटा टेस्टर फॉर दिस ऐप ऑसम, तब जानिए कि आप बीटा टेस्टर हो गए हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप YouTube पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, देख सकते हैं कि कैसे बीटा टेस्टर होते हैं। तो यहाँ पर अपडेट का बटन दिख रहा है क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो चलिए इसे अपडेट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे व्हाट्सएप में ये फीचर आता है या नहीं। तो इसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही पुराना व्हाट्सएप का जो स्टेटस फीचर है, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है बटन जहाँ पर हम फोटोज़ को ऐड कर सकते हैं, जस्ट इसके ऊपर वो बटन आएगा। तो चलिए हम अपडेट करते हैं। तो सिंपली हम क्लिक कर लेते हैं अपडेट पर। ओके, तो हमारा व्हाट्सएप जो है पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है और यहाँ पर आपको बीटा व्हाट्सएप मैसेंजर के आगे बीटा लिखा दिखेगा, तभी ये आएगा फीचर। इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, टेक्स्ट कलर्ड बैकग्राउंड वाला जो स्टेटस फीचर था वो आ चुका है और यहाँ पर देखिए एक पेंसिल बनी हुई है नीचे कॉर्नर पर। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है टाइप अ स्टेटस। तो जैसे कि मैं ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस लिख सकता हूँ। अभी जैसे कि मॉर्निंग है तो मैं लिख सकता हूँ गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग लिख सकता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इमोजी लगा देता हूँ जो कि इसमें फीचर में ऐड किया गया है। और इसके बाद जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है टी, इस पर क्लिक करके आप फिर से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपको एक कलर वाला ये दिख रहा है ऑप्शन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड का, ठीक है। तो मुझे कुछ ग्रीन कलर ज़्यादा पसंद है तो मैं ग्रीन कलर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको सेंड पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा एक फोटो के रूप में स्टेटस पर चला जाएगा। तो ये काफ़ी पहले ऐसा फीचर था जब आप टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते थे स्टेटस में, लेकिन बीच में इसने व्हाट्सएप ने अपना जो फीचर दिया कि आप केवल फोटोज़ लगा सकते हैं, वीडियोस लगा सकते हैं स्टेटस में, इसके बाद फाइनली इसने दोनों को पैचअप कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है और इसका अब तो मैं डेली यूज़ करूँगा क्योंकि इसके थ्रू मैं अपनी कोई भी बात कह सकता हूँ स्टेटस में कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, अपना स्टेटस दिखा सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले इस कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस में। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं और आगे भी ऐसी आप इंटरेस्टिंग वीडियोस, लेटेस्ट जो वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन जो है वीडियो के नीचे मिल जाएगा रेड कलर का। धन्यवाद।